एडीजी अखिल कुमार बुधवार को पैदल भ्रमण कर महानगर की सुरक्षा व्यवस्था से अवगत हुए और लोगों से वार्ता कर उनका फीडबैक भी लिया। बुधवार की देर शाम एडीजी अखिल कुमार जटेपुर स्थित चेतना चौराहा से पैदल भ्रमण पर निकले। वहां से एडीजी जोन गोलघर स्थित फायर स्टेशन पर पहुंचे, वहां फायर स्टेशन का जायजा लिया और हाइड्रोलिक ट्रक का मॉक ड्रिल देखा और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से वार्ता की। इसके बाद एडीजी जोन आरटीओ ऑफिस होते हुए अपने आवास पर पहुंचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, नहीं मतलब रोमियो खत्म हो गए या अभी भी रोमियो? नहीं सर, रोमियो काफ़ी कम हो गए नहीं सर। ठीक है, लगे रहिए आप। जटेपुर जटेपुर जो जहाँ से शुरू किया सर, पीएससी के लोग हमारे सर। के दिन का एक एक्सरसाइज है फुट पेट्रोलिंग का, बड़ी कारगर व्यवस्था होती है। जब आप क्षेत्र में घूमते हैं जनमानस में सुरक्षा की भावना बैठती है और इसी दौरान आप उनसे संपर्क भी करते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं कैंट एरिया में गया, सीओ कैंट, इंस्पेक्टर कैंट और हमारे साथी पुलिसकर्मी साथ में थे और सबके साथ बाज़ार में होते हुए व्यापारियों से मिलते हुए थाना क्षेत्राधिकारी कार्यालय भी देखा और उसी रास्ते में फायर स्टेशन मिल गया तो वहाँ भी गए और वहाँ पर फिर हम लोग एक जो हाई राइज बिल्डिंग के लिए मशीन आई है
उसको फंक्शनली टेस्ट किया कि क्या वो काम कर रही है या उन पर दक्षता है उसको चलाने के लिए। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको दक्ष रूप से दिखाया। कुछ परेशानियां हैं फायर स्टेशन का, सबसे बड़ा परेशानियां है एक्सेस ही बहुत ही पुअर है उनका, एक ही पतली सी रोड है, परंतु फायर स्टेशन के जो CFO हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उसके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पे फोकस किया जो अच्छा लगा, और तत्पश्चात हम लोग घूमते हुए वापस आए। सर व्यापारियों से कुछ वार्ता हुई, रास्ते में वार्ता किए, कुछ इस तरह बातें आई हैं सामने, समस्याएं उनकी? नहीं, व्यापारियों से बात किया कि कोई सुरक्षा की या अदर कोई समस्या पुलिस की है, उन्होंने ऐसा कोई विशेष समझा नहीं किया, बल्कि क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर की तारीफ की और उनसे तालमेल और सामंजस्य अच्छा दिख रहा है। उनको हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसके बारे में हमारी उनसे डिस्कशन हुई है और उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं वहाँ से। CCTV कैमरा लगाने की कोई बात नहीं? CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उसको किस प्रकार से लगना है, उसको किस तरह प्रकार से सुरक्षित रखना है ताकि अपराधी उनका लाभ ना उठाए, इस विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है।